गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज परमिटिंग फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स। जो इंडियन कंपनीज हैं उनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि वो इंटरनेशनल जो कैपिटल मार्केट्स है वहाँ से भी फंड्स रेज कर सकते हैं थ्रू इशू ऑफ अमेरिकन डिपॉजिटरशिप, जीरियाज, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स एक्सेट्रा। और ये अलाउ करने के बाद अगर जो स्टैट्स मतलब जो देखने को मिला है, दैट इज इंडियन कैपिटल मार्केट में लार्ज इनफ्लो हुआ है फॉरेन कैपिटल का बाय नॉन रेजिडेंट इंडियंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ओवरसीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दैट इज डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज में होता क्या है, पहले जो आप अगर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करते थे तो वो आपको फिजिकल फॉर्म में उस चीज़ का प्रूफ देते थे कि ये आपकी सिक्योरिटी है फिजिकल फॉर्म में, लेकिन अब फिजिकल फॉर्म में आपको ना मिलके वो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में मिलती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको जो यूनिट्स है आपके अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट कर दी जाती है। तो डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज होने की वजह से जो आपके रिस्क थे एसोसिएटेड फिजिकल सिक्योरिटीज से, जैसे डिले इन ट्रांसफर, बैड डिलीवरी, थेफ्ट, फेक या फॉर्ज शेयर्स का, रिलीफ फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एक्सेट्रा जैसी जो डिफ़िकल्टीज है वो कम हुई है, जिसकी वजह से जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर है वो इम्प्रूव हुआ है। नेक्स्ट इज योर इंटरनेट ट्रेडिंग। इंडिया में इंटरनेट ट्रेडिंग को अलाउ किया गया था जैन 2000 में सेबी के थ्रू। और इंटरनेट ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि वही ट्रेडिंग जो आप वहाँ पे फिजिकल जाके कर रहे थे वही आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। जो बाय और सेल आप अगर करना चाहते हैं अपनी शेयर्स को या सिक्योरिटीज़ को, जो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में प्रिवेल करती है, और इस चीज़ को आप मोबाइल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल्स भी अपने खोले हैं। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल को सेटअप किया है। मोबाइल ट्रेडिंग के थ्रू भी आप जो ट्रेडिंग है स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। यहाँ पे आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं इसके। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। डिस्कस द मेन वीकनेसेस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। व्हाट रिफॉर्म्स हैव बीन अंडरटेकन टू स्ट्रेंथन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउ डज फाइनेंशियल सिस्टम प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज वेरी वीक। डू यू एग्री। देन शॉर्ट आंसर्स में जो क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। डिस्कस द मेन सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउ डज फाइनेंशियल सिस्टम प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर देखें तो फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट क्वेश्चन भी इसका इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन में देखें तो आपके चारों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और चारों ही क्वेश्चंस में बेसिकली जो पॉइंट्स आ रहे हैं वही जो हमारी हेडिंग्स थी कि आपका फाइनेंशियल सिस्टम कैसे रोल प्ले करता है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसकी वीकनेसेस और उसकी स्ट्रेंथ और रिफॉर्म्स उसमें जो हुए हैं। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर। थैंक यू सो मच।